मम्मी का पहला भटूरा देखिए फूलकर एकदम बलून हो चुका है है मी वैसे आपके चेहरे पे एक अलग सा घमंड सा दिख रहा है मम्मी जिसका भटूरा फूल जाता है मी जिसका भटूरा फूलता है घमंड सा आ जाता है चेहरे पे। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ बहुत ज्यादा खतरनाक जगह पे। मम्मी का जो ये सामने है ना घर के जस्ट फ्रंट वाला एरिया, मैं उधर जस्ट अभी थोड़ा बारिश वाला मौसम हो रहा था तो मैं ना उधर से यहाँ की वादियों का नज़ारा लेने आई हूँ, लेकिन डैडी को नहीं पता है कि मैं इधर हूँ क्योंकि सांप निकला था ना मेरे घर के पास में। तो डैडी को बहुत गुस्सा है इस बात का कि इधर कोई आए ना, तो मैंने मम्मी से बोला कि मैं तो जा रही हूँ। मम्मी ने मेरे को रोका भी पर मैंने एक नहीं सुनी उनकी और ऐसी जाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक रास्ता जैसा दिख रहा है मुझे। मैंने कहा मैं शांति से जाऊँगी, शांति से आ जाऊँगी, परेशान ना हो, क्योंकि यहाँ पे एकदम क्लियर मतलब वैसा थोड़ा दूर दूर तक ज़्यादा झाड़ियाँ नहीं हैं। तो मैंने कहा आप टेंशन मत लो, मैं हवा लेके आ रही हूँ ठंडी। अब मेरी मम्मी ना मेरे ऊपर ही नज़र लगा के रखे हुए हैं पर डैडी अभी है नहीं, डैडी अंदर कहीं है, अंदर भी नहीं, इनफैक्ट वो शायद फ़ोन पे बात कर रहे हैं किसी से, बिजी हैं अंदर ही। तो मैंने कहा मैं ज़रा आप लोगों को ये वादियाँ दिखा दूँ। ये है मेरा घर और ये घर के एंट्री के ऊपर ये आपको कुछ दिख रहा है जैसे यहाँ पर टाइल है, यहाँ नहीं है, उसके पीछे कारण है। अभी 2-2.5 महीने पहले मम्मी यहाँ पर चढ़ रही थी ना, तब तो ये बिल्कुल ऐसा था, तो उनका पैर में शायद पानी था या कुछ था तो यहाँ फिसल के गिरी थी, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। तो डैडी ने गुस्से में ये पूरा फोड़ दिया था। अब ये काम जो है ना ये पेंडिंग पड़ा हुआ है तभी से, अब कोई मिल नहीं रहा उन्हें करने के लिए, तभी ऐसा पड़ा हुआ है। मैंने कल सोचा था आपको किस्सा बताऊं बट मैं बता नहीं पाई। है मम्मी, मम्मी ये वाला जो डैडी ने गुस्से में फोड़ा था आपका हाथ फ्रैक्चर हुआ था इस वजह से। इस जगह पे काफी लोग गिरे हैं, मैं गिरी हूँ, ये भी गिरे, सन्नी गिरा एक बार है, ये तो इनफैक्ट नॉडी को गोदी लिए हुए थे, किराएदार भी गिरे हैं। अच्छा मम्मी का तो हाथ ही फ्रैक्चर हो गया, देखो कहाँ पे हुआ था फ्रैक्चर, 2 महीने लगभग इसमें प्लास्टर रहा था। कहाँ जा रही हो आप? ओए, ओए क्या होता है नो? ओए, व्हाट इज ओए? बंद करो उसको। मम्मा से कोई ओए बोलता है? बेटू तो ब्लॉगर बन गया है, ब्लॉगर, टाइम हो गई जीरो। सर यहाँ पे बारिश नहीं हुई है, एक दिन हुई थी, थोड़ी थोड़ी हुई थी, ड्रिजलिंग जैसी, कस के बारिश नहीं हुई है, मेरे को चाहिए कि कस के बारिश हो जाए। आपने हाय तो बोली नहीं। हाय डीनू पता नहीं कितनी बार हाय कर रहे हो। ये देखिए गाइस हमारे अमरूद 1-2-3 गाइस, ये वाला मैं कल तोड़ लूंगी, ये वाला भी पक गया देखिए, ये मुझे कल चाहिए। मैं एक्चुअली में तोड़ नहीं रही हूँ बिकॉज मैं चाह रही हूँ पेड़ पे ही लगे रहे। मैं कल ताज़ा क्या चल रहा है तुम बताओ, तुम्हारा क्या चल रहा है, ये क्या है, ये सब क्या हो रहा है, ये सब कुछ बात होती है, क्या हुआ क्या कि हमें कोई टाइम नहीं दिया जा रहा है। टाइम मुंह में आ रही हो, हवा चल रही है ना आज, अभी लग रहा है बारिश होने वाली है, ठंडा मौसम, पवन बढ़िया चल रही है। ये तुम्हें आगरा में देखने मिलता है ये मौसम? आगरा में सिवाय गर्मी मैंने अभी तक कुछ देखा नहीं है, उसके बाद देखो मम्मी फिर एक्सट्रीम ठंडी के अलावा कुछ देखा नहीं है। गाइस देखिए बहुत तेज बारिश हो रही है, ये देखिए खोल के हम आपको दिखा देते हैं, दरअसल हम ये बंद करने आए हैं। ये देखिए अभी तो मैंने बारिश की बात की थी, लगभग टाइम ऐसा हो रहा है 6 o'clock से थोड़ा ऊपर, और ये देखिए क्या सुहावना मौसम हो रहा है, हवाएं चल रही हैं और बारिशें हो रही हैं, काफ़ी तेज़ हो रही है। मे भी कैमरे में आपको नज़र नहीं आ रही होगी लेकिन काफ़ी तेज़ हो रही है, और इसे बंद करेंगे वरना पानी अंदर आने लग जाएगा, तो कर दो बंद, इसको भी बंद करेंगे बस। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं आपकी दोस्त हनी, ये है मेरी बेटू डीनो और ये है मेरी मम्मी। हेलो बेटू, हेलो कुछ करो। हाय गाइस, टाइम ऐसा हो रहा है लगभग 5:30-6 के करीब है, मैं 6 बज रहा हूँ ना, और मैं और मम्मी बाहर बैठे हवा ले रहे हैं, और यहाँ पे टेनिस वगैरह लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, तो उनकी बॉल देखते रहते हैं हम लोग, टुक टुक होती रहती है यहाँ पर, टाइम पास होता रहता है। आज रात में मैंने डिनर में क्या दिया था मम्मी से, छोले भटूरे बनाओ मेरे लिए, हालांकि मुझे मैदा में स्मेल लगती है बट फिर भी
अब मायके आई हूँ तो इन्हें परेशान भी ना करूँ क्या? ऐसे तो मजा आता नहीं। इन्हें सुनो, ऐसे तो मजा आता नहीं। तो गैस मम्मी आज बनाएंगी छोले भटूरे मेरे लिए, लेकिन उन्होंने बोला है कि मैंने उसमें कुछ भी नहीं डाला है। मतलब मम्मी ने कहा कि मैं मतलब बनाऊंगी तो उसमें छोले डालूंगी, मतलब छोले में सिर्फ टमाटर डालूंगी और कुछ नहीं डालूंगी। तो उस तरीके से बनेंगे आज रात में मेरे लिए छोले भटूरे, हम खाएंगे। तो मम्मी मैदा तो आपने वो डो लगा दिया था ना? गैस मैदा वगैरह डो मम्मी ने लगा दिया और मैंने अजवाइन डालने से मना कर दी। डाली तो नहीं मम्मी? तो ठीक, किसी नहीं डाली थी मैंने, फेंक ही दी था। नहीं बिकॉज मेरे को अजवाइन में भी आती है स्मेल, जीरा वीरा सब में आती है इसलिए। गाइस चलिए थोड़ी देर हम यहाँ टहल वहल लेते हैं। मैं कहाँ पे हूँ? ये यहाँ पे चल रहे हैं मैच, ये देख सकते हैं आप, और मम्मी और डीनो वहाँ बैठे हुए हैं। वो देखिए, दिखाई पड़ेंगे, मैं जूम करूँ, ये देखिए। और असली देखिए कहाँ, इस भयंकर जंगल में, ये देखिए अकेले सुनसान जंगल में आए हैं बिल्कुल। मैं आज फिर इन वादियों में आई हूँ, मेरे डैडी से मेरे को डांट पड़ रही है, उन्होंने मुझे देख लिया है और वो मुझे डांट रहे हैं। पर हम सुधरने वालों में से नहीं हैं, हम खतरे मोल लेने वालों में से हैं। मेरी मम्मी वहाँ बैठ के इशारा कर रही हैं, आ जाओ, मैं उनकी नहीं सुन रही। डैडी भी बोल रहे हैं कहाँ जा रही हो, मैंने कहा वीडियो बनाने, डैडी कहते हैं अभी तुम्हारी वीडियो बन जाएगी। चले गए बोल के। आ रहे आ रही हूँ। टाइम हो रहा है अभी 8:30 से थोड़ा ऊपर, आप देख सकते हैं मेरे पीछे वहाँ घड़ी लगी है दूर, आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि बस भटूरे बनाने, छोले तो मम्मी ने बना दिए थे दोपहर में ही लगभग। गाइस मम्मी ने मुझसे क्लिप मंगाई है, मैं ज़रा क्लिप ले आऊँ, इसके बाद बात करती हूँ। तब तक मम्मी ऑयल वगैरह डाल लेंगी कढ़ाई में। ये लो मिल गई आपकी क्लिप, लो 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 लो। गाइस मम्मी का देखिए ये जो डो है कैसा फूल रहा है पूरा। गाइस छोले गरम होने जा रहे हैं, मम्मी ने मेरे अलग कर दिए और ये अलग हैं, गरम हो रहे हैं। बस अब मैंने भी अपनी प्लेट रेडी कर दी है। गाइस मम्मी ने वो रखा हुआ है इमरजेंसी के लिए, उस पर गोल गोल बॉल्स बनाने के लिए, बट मम्मी ने कहा चलो मैं इसी पे बना लेती हूँ। तो मम्मी पहला भटूरा बनाने जा रही है और बहुत ही ज्यादा कम्फर्टेबली बैठ गई है अपनी चेयर पे। उसको मैंने कॉल कर दिया, आ रही है नीचे। तो चलो तुम हो जाओ चालू। चालू क्या होना, पहले डैडी को दे दो ना। अमित गरम तो हो जाए तेल। हाँ, फुल करो फुल करो फुल करो फुल करो। मिनी भी नीचे आ चुकी है, लेकिन जो अपना है वो अपना रिवाइंड कर रही है। तेल गरम हो चुका है, भटूरा डाल दिया है मम्मी ने। मम्मी आपका तो बलून सा फूल रहा है भटूरा। मम्मी अम्मी आपका हाथ ना जल जाए कहीं। गाइस मम्मी का पहला भटूरा देखिए फूलकर एकदम बलून हो चुका है। है मी वैसे आपके चेहरे पे एक अलग सा घमंड सा दिख रहा है मम्मी। जिसका भटूरा फूल जाता है मी, जिसका भटूरा फूलता है घमंड सा आ जाता है चेहरे पे। गाइस ये देखिए इट्स काइंड ऑफ बलून, वाओ। लो 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 जल्दी से डाल दो इसमें। गाइज ये मिनी के पास मैं लेके जा रही हूँ। लो मिनी भाई पहला भटूरा तुम्हारे लिए बन चुका है, और अपना फूला हुआ का मजा लीजिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है? टॉफी वगैरह खा रही लग रहा है। मुझे तो आपके चम्मचों से बड़ा डर लगता है देख के, ये चम्मचों से कौन खाए खाना। डैडी भी बैठ रहे हैं अब डिनर के लिए। डैडी मैंने सुना कि मम्मी बता रही थी आपको छोले वगैरह ये सब कम पसंद है। हाँ थोड़ा कम पसंद है, है? और राजमा वगैरह भी कम पसंद है। राजमा छोले दोनों, जबकि आपके बच्चों को ये चीजें कितनी पसंद है। नहीं मुझे दोनों चीजें कम पसंद है। अच्छा तो आपको आपका क्या मतलब क्या पसंद करते हो आप? मूंग दाल तो नहीं खाते हो? अगर आप मेरे घर कभी आ गए ना आगरा तो आपको मूंग दाल ही मिलेगी, वहां तो पापा की फेवरेट दाल है। हेल्थ के लिए अच्छी होती है लेकिन डैडी, गुड फॉर हेल्थ, बट टेस्ट की तरह अच्छा नहीं। हाँ वेरी गुड फॉर हेल्थ। लेकिन डैडी मेरी जिंदगी अभी आज के तो मूंग दाल पी के कट रही है, मालूम है आपको? अच्छा। हाँ गैस डैडी को डिनर दे दिया, मिनी मना कर रही मेरे को ये नहीं खाना वो नहीं खाना, मतलब एकदम बच्चों की तरह बिहेव करने लगती है, मतलब इनसे ज्यादा नॉटी मेरे को मैच्योर लगती है कभी कभी। मेरे
मेरा भटूरा फूल गया है। मम्मी के चेहरे में घमंड फिर से देखा जा सकता है। मम्मी पानी चला था किसी ने। मम्मी ने आज इतने मन से मेरे लिए भटूरे बनाए, लेकिन मुझे सच बता रही हूँ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। इतनी मेरे को मतलब दिक्कत हो रही है ना मैदा से, मैदा में मुझे अंडे जैसी स्मेल लगती है, तो मुझे उसकी वजह से अच्छा नहीं लगा। थोड़े से राइस लिए मैंने और पता नहीं क्यों बिल्कुल मन खराब सा है। और मम्मी उधर ही बैठ के खा रही हैं इधर। और अम्मी आप आपको कैसे लग रहे बिना प्याज वाले लहसुन वाले? ठीक है, वैसे मम्मी हमेशा लहसुन प्याज ये सब डाल के बनाती है, आज मेरी वजह से उन्होंने ये सब कुछ भी नहीं डाला और फिर भी मुझे अच्छे नहीं लग रहे, क्या करें। और मैं हाथ से खा रही हूँ आजकल, मुझे हाथ से खाना बड़ा अच्छा लग रहा है। हालांकि अच्छा नहीं लग रहा पर मतलब मन करता है कि हाथ से ही खाऊं। मम्मी और डैडी गए बाहर टहलने और ये लड़का यही टहल रहा है, कुछ खा नहीं रहा है। मैं तो ऐसे भूखा ही सो लूंगा। भूखा क्यों सोना है आपको? मेरा भी मन है उसे भूख हवा खा रही होगा तो। मम्मी सुन लो, थोड़ा राइस खा के देखो आके आ जाओ। मेरा पेट ऐसे भर जाएगा। चलिए गैस खा लेते हैं फिर मैं बात करूंगी आप लोगों से। मुझे लगा अपना दिल का एक दुखड़ा तो रो लें। मम्मी को लग रहा है क्या क्या बना के खिला दें। मम्मी मेरा बुरा टाइम कब खत्म होगा? मम्मी क्या कुछ उम्मीद लगती है? मेरा डिनर तो हो गया है, मम्मी अभी कर रही हैं। और इनके तो पैर वैसे भी घुटनों में थोड़ा दर्द है ना, तो वो वॉक वगैरह कम ही करती हैं। मम्मी तो आप वॉकिंग करोगी? नहीं नहीं तो ठीक है, आप खाओ फिर हम दोनों वॉक करने जा रहे हैं। ठीक है चलिए गैस बाहर चलते हैं, थोड़ी वॉकिंग करेंगे और डॉगी को ये रोटी वगैरह कुछ डाल देंगे। चलो बेटे शूज पहनो, ठंड हो रही है बाहर, कुछ मोटा पहन लेते। मैं देख लूंगा बाहर ठंड होगी। इतना फास्ट फास्ट चल रहे हैं दोनों लोग ताकि मैं इन लोगों को पकड़ ना पाऊं, पर ये लोग मेरे को जानते नहीं है अभी। ए मिनी बड़ा हाथ हिला के जा रही है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा रुक जा मेरे लिए। गाइज मेरे व्लॉग एंड करने का टाइम हो चुका है, डिनर वगैरह हो चुका है। कहाँ भाग जाइए, वो कटोरी उठाने चला गया, जा रहा है वो उनको डालने के लिए। क्या लाया, क्या वो खाना लाया? रोटी वोटी। गिर जाओगे, स्लो स्लो स्लो। कुत्तों के तो वहाँ इतने झुंड है। बेटो कट्टू कर लेगी डिनर। काटेंगे नहीं, बट बहुत ज्यादा कुत्ते हैं और खाना बहुत कम है। नहीं मम्मी ने तो राइस बनाया उनके लिए। व्लॉग एंड करना है मम्मी, राइस करो ना, बंद कर दो फिर हेलो बोल के। चलिए गाइस फिर मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए सायोनारा बाय बाय। डैडी बाय करो, बाय बाय बाय, गुड नाइट। लड़का क्या डाला है ये? क्या कर क्या रहे हो डीनो? डीनो कटोरी टूट जाएगी।